हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे पूछेंगे 20 सवाल जो कि भारतीय रेलवे से है। तो चलिए सवाल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? ये सवाल है आपका, इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं और जवाब आपको पता है तो स्टार्ट हो जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और एक लिख करके इसका सही जवाब आपको पता है तो ऑप्शंस नंबर जो भी हो ए बी सी डी लिख कर टाइप कर दीजिए और सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब सोचिए, इसका सही जवाब है सी, जॉन मथाई। आगे सवाल नंबर टू। स्टेशन स्टेशन जहाँ रेल लाइनें समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेशन जहाँ रेल लाइनें समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? इसमें जॉब करने वालों के लिए ये जानना जरूरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक स्टेशन। आगे सवाल नंबर तीन। ब्लॉक हो गया, ब्लॉक स्टेशन। आगे सवाल नंबर तीन। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। आगे सवाल नंबर चार। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1988। आगे सवाल नंबर पांच। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? चेन्नई और मैंसूर के बीच, बैंगलोर और मैंसूर के बीच, चेन्नई और बैंगलोर के बीच, बैंगलोर और चेन्नई के बीच। तो आपको जवाब सही कमेंट कर देना है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बैंगलोर। आगे सवाल नंबर छः। विश्व में प्रथम रेल कब चली? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1825। आगे सवाल नंबर सात। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है दोस्तों 1905, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल नंबर आठ। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, 1924 में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। आगे सवाल नंबर नौ। रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए संस्थान कितने हैं? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसका सही जवाब है दो। आगे सवाल नंबर दस। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब सोचिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। आगे सवाल नंबर ग्यारह। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार दुनिया में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, अब सही जवाब सुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। आगे सवाल नंबर 12। रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। आगे सवाल नंबर 13। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? काफ़ी अच्छा बनता है सवाल, आपको पता होना चाहिए, पूछे या ना पूछे।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। आगे सवाल नंबर 14। राजस्थान निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। आगे सवाल नंबर 15। मैत्री एक्सप्रेस भारत से किस देश को जोड़ती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। समझौता एक्सप्रेस तो पाकिस्तान के साथ चलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आगे सवाल नंबर 16। मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। आगे सवाल नंबर वेस्ट बंगाल। आगे सवाल नंबर 17। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा कोनाकन रेलवे परियोजना के लिए चौथा राज्य निम्न में से कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है, सीखने के लिए मिल रहा है इसमें बहुत कुछ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल। आगे सवाल नंबर 18। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई वीटी। आगे सवाल नंबर 19। भारतीय रेलवे संस्थान सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, चेन्नई, ग्वालियर एंड सिकंदराबाद। इसका सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुणे। आगे सवाल नंबर 20। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? जोन पूछ रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 17। और दोस्तों एक सवाल आपसे पूछेंगे, जिसका जवाब अगर आपको पता है तो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा आप अगर चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।